हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय टू चैनल। आज हम लोग पवन सिंह के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1997 में पवन सिंह ने अपना पहला भोजपुरी म्यूजियम एल्बम ओढ़निया वाली रिलीज किया था। पवन सिंह को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भोजपुरी गाना लॉलीपॉप लगेलू से मिली थी। साल 2016 में पवन सिंह को बेस्ट मेल सिंगल का अवार्ड भोजपुरी फिल्म योद्धा के लिए मिला था। 8 मार्च 2015 को पवन सिंह की पत्नी नीलम सिंह ने उनके ही घर में आत्महत्या कर ली थी। पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्मों में अपना डेब्यू फिल्म रंगली चुनरिया दोहरे नाम 2007 से किया था। सितंबर 2017 को पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। सनिया मिर्जा के नथुनिया जान मारेला गाना गाने के बाद पवन सिंह विवादों में आ गए थे। पवन सिंह अब तक 70 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। पवन सिंह की फिल्म सत्या का गान, राते दिया बुता के पिया क्या 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 यूट्यूब पर 8 महीने में ही 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा था। यह गाना पवन सिंह और अमरपाली दुबे पर फिल्म गाया गया था। यह गाना 27 मार्च 2017 को पब्लिश किया गया था। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ अमरपाली दुबे और अक्षरा सिंह भी थी। इस फिल्म की शूटिंग बिहार के उत्तर प्रदेश के लोकेशन पर की गई थी। साल 2015 में शूटिंग के सिलसिले में बस्ती शहर उत्तर प्रदेश में आए पवन सिंह को कुछ बदमाशों ने लूट लिया था। बदमाशों ने पवन सिंह का बैग और मोबाइल लूटा था तथा उनके साथ थोड़ी मारपीट भी की थी। पवन सिंह बदमाशों की कैद से छूटने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए थे। पवन सिंह अभिनेता और गायक के अलावा अब फिल्म निर्माता भी बन चुके हैं। पवन सिंह 1997 से लेकर अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। पवन सिंह का इंस्टाग्राम पर 94,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उन्हें अभी तक 600 से ज़्यादा पोस्ट शेयर कर चुकी है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।